वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है जसबीर कौर और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इडली बर्गर। बर्गर तो आप सबने खाए होंगे और पसंद भी आते हैं आप लोगों को, बट ये हमने इसमें नया वर्जन सिखाएंगे जो कि फ्यूजन है बर्गर का। इडली बर्गर बनाने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमें बर्गर चाहिए जो हम इडली के बैटर से बनाएंगे। दूसरा हम चटनी बनाएंगे लाल वाली जो मेयोनीज में डाल के हम उसको यूज़ करेंगे। और तीसरा जो होगा पेटीज जिसके लिए हम लोग आलू का इस्तेमाल करेंगे। आलू ठंडे हो गए हमारे, अब हम इसे पील कर लेंगे और मैश कर लेंगे। अब आलू को उंगलियों की सहायता से मैश करना है। आलू मैश करने के बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। अब मैश आलू को हम तड़का लगाएंगे, उसमें हम साउथ इंडियन स्टाइल यूज़ करेंगे और इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी यूज़ की हैं जिसमें गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है और ये दाल यूज़ करी है, चने की दाल है और उड़द की दाल है, राई है और मिर्च है और कड़ी पत्ता है। तड़का लगाने के लिए हम एक कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हमने राई डाली है। राई डालने के बाद उड़द दाल डालेंगे। उड़द दाल डालने के बाद चना दाल डालेंगे। इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। अब इसमें जाएगा प्याज। प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम फिर बाकी की वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे। प्याज हमारा सिक गया है। अब इसमें जाएगा मटर, साथ में जाएगी हरी मिर्च और साथ में जाएगी ग्रीन पेपर। इसमें थोड़ी सी गाजर भी डालेंगे क्योंकि हमारी पेटीज थोड़ी कलरफुल बनना चाहिए। इसको हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि हमारी गाजर कच्ची ना रह जाए। हमारी सब्जियां पक गई हैं। इस स्टेज पे हम सांभर मसाला डालेंगे। थोड़ा भून जाने के बाद इसमें मैश किए हुए आलू मिक्स करेंगे। आलू को इसमें डाल के अच्छे से मिलाना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी पेटीज बनाएंगे। अब इसमें जाएगा नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने पर हम इसकी पेटीज बनाएंगे। ये आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। इससे इसको ठंडा होने में टाइम नहीं लगेगा और ठंडा होने के बाद हम इसकी पेटीज बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर और बनाते हैं रेड चटनी। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें जाएगी हींग। इसमें जाएगी राई, कुछ लहसुन की कलियां। अब इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। दो बेड़ की मिर्च। मिर्च का इस्तेमाल हमने इसमें लाल रंग लाने के लिए किया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। प्याज को हमको ब्राउन नहीं करना है। अब हम डालेंगे सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने के बाद अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटरों को हमको थोड़ा सा पकाना है। यहाँ हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे
इससे हमारे टमाटर भी जल्दी पक जाएंगे। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, इतनी ही हमें रखनी है इसकी थिकनेस। ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे। जब तक हमारी चटनी ठंडी हो रही है, हम आलू की पेटीज बना लेते हैं। पेटीज बनाने के लिए हमें आलू को लेके एक गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद हमें इसे ऐसे दबाना है। याद रहे, पेटीज उस साइज की होना चाहिए जितने डायर का बर्गर होता है। देखिए, ये पेटीज हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे मैदे में कोट करेंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख देंगे। पेटीज हमने तैयार कर ली है। अब हम इसे डीप फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये फर्म हो सके। चटनी हमारी ठंडी हो गई है। अब हमें इसे पीसना है। इसके लिए हम इसे जार में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पीसनी है। अब हम इसमें मेयोनीज मिलाएंगे। मेयोनीज डालने से इसमें टेक्सचर आएगा, जो हमें बर्गर में यूज़ करना है। ये हमारी साउथ इंडियन स्टाइल मेयोनीज तैयार हो गई है, जो हम बर्गर में यूज़ करेंगे। हमारी टिक्कीज को 10 मिनट हो गए हैं फ्रीजर में रखे हुए। अब हम उसको निकाल के शैलो फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इस पेटीज को इसमें सेकेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हमें इस पैन में इतना ऑयल लेना है कि ये हमारी हाफ टिक्की डूबी रहे इसमें। जब एक साइड से ये सिक जाएगी, हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। दूसरी साइड भी जब ये आ जाएगा, तो हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये हमारी टिक्कियाँ सिक गई हैं, अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। हमारी पेटीज तैयार है, मेयोनीज भी तैयार है। अब हम, आपने जैसे देखा होगा कि बर्गर में एक आउटर बन होता है, तो हम यहाँ पर अब इडली का बन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक तवा। ये नॉनस्टिक तवा लेना है, उसमें जाएगा ये बैटर। इडली बन बनाने के लिए हमको बैटर चाहिए, जो इतना पतला होना चाहिए। हम इसमें एक राउंड लेंगे। बर्गर के लिए जो हम इडली बन बनाएंगे, उसका साइज बर्गर के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये अपना लिया है 4 इंच का, 4 इंच डाया का, इतना ही हमें बनाना है। ये 2 बनेंगे और बीच में हमारी पेटीज जाएगी और मेयोनीज लगेगी। अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ भी सेकेंगे। ये दोनों साइड से सिक गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे इडली बन तैयार है। अब हम फाइनली असेंबल कर लेते हैं हमारे इडली बर्गर को। हमारी इडली बर्गर की रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, गुड बाय।